मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरसी एजुहक बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पद भाग चल रहा था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उसका पाठ 13वां, जो एक कविता है चंद्र गहना से लौटते बेल। इसके कवि हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, हम बात करें कवि के परिचय के बारे में, तो कवि का परिचय दो प्रकार से लिखा जाता है। कवि और लेखक का परिचय, सामान्य परिचय जिसको जीवन परिचय बोलते हैं, और दूसरा होता है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखते हैं और क्या क्या बातें उनमें लिखी जाती हैं। बच्चों, जीवन परिचय में कवि या लेखक के जीवन से संबंधित उनकी जन्म मृत्यु स्थान, उनकी शिक्षा और उनके कार्य आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। और साहित्यिक परिचय में उनका हिंदी विषय में साहित्य के प्रति क्या योगदान रहा है, वो बातें हम साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। जिस प्रकार उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं और कवि या लेखक ने अपनी कृतियों में किन का वर्णन किया है, उनको क्या क्या सम्मान मिले हैं आदि बातें साहित्यिक परिचय में लिखी जाती हैं। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 117 सभी बच्चे खोल के बैठ जाएं। कवि केदारनाथ अग्रवाल का परिचय हम पढ़ रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश की बांदा जिले के कमासिंह गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। पेशा सभी जानते हैं, उनका रोजगार है, उनका कार्य है, वे वकील के पद पर कार्यरत रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। बच्चों, एक शब्द आया है तत्कालीन, जिसका अर्थ होता है उस समय के या उन दिनों के, ठीक है, उस समय के। सन 2000 में उनका देहांत हो गया था। आगे बात करते हैं इनकी कृतियों के। कवि की जो मुख्य कृतियां हैं वो है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कवि को किन किन सम्मान से, किसके सम्मान से सम्मानित किया गया? इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब प्रगतिवादी धारा क्या है? प्रगतिवादी युग कौन सा है? सन 1936 से 1943 के बीच का जो समय है उसे प्रगतिवादी युग कहा जाता है और इसी समय के वे मुख्य कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है या देने योग्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप प्रकट हुआ है, यथार्थवादी जैसे का तैसा, जो जैसा है वैसा था। कवि ने प्रकृति को जिस रूप में देखा है अपनी कविताओं में, कवि ने प्रकृति का उसी रूप में वर्णन किया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा और है स्थापत्य की कला। अब स्थापत्य क्या होता है? जिस प्रकार एक कारीगर मकान को एक सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी रचनाओं को अपने शब्दों की सौंदर्य के कारण एक सुंदर रूप देते हैं। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। अन्यतम का अर्थ होता है एक अन्य, एक और विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन का अर्थ होता है नित्य। जो बुंदेलखंडी समाज था उनका जो रोजाना का किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी, उनका वर्णन उन्होंने खुले फन और उमंग बड़े ही आनंद उत्साह के साथ किया है। केदार कविता को भाषा की
लोक भाषा के निकट में लाते हैं। लोक भाषा क्या होती है? जन की आम भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो आम लोगों की भाषा होती है वो लोक भाषा कहलाती है। और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। बच्चों ये जो कवि की अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता है चंद्रगहना से लौटते हुए, इसमें कवि ने चंद्रगहना एक स्थान का नाम है और इस कविता में कवि ने वहाँ के जो हरे भरे भूभाग है, वहाँ के खेतों का, वहाँ के प्रकृति का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है।